हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज आप सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, आर यू इन लव, क्या प्यार में है। दोस्तों, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो बहुत सारे लोग अपने लाइफ में सही से आंसर नहीं कर पाते हैं। शायद वो समझ ही नहीं पाते कि प्यार नाम की चीज़ होती क्या है। लोग कहते हैं कि प्यार की डेफिनेशन जो है हर पर्सन के लिए अलग अलग हो सकती है। बिल्कुल नहीं, प्यार दोस्तों एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है। हाँ, लेकिन आपके सेल्फिशनेस, ग्रीडीनेस, डिज़ायर्डनेस, इसकी डेफिनेशन पर्सन टू पर्सन चेंज हो सकती है। शायद हम समझ ही नहीं पाते कि डिज़ायर और लव में क्या डिफरेंस है। आप कहते हैं कि आपको कुत्तों से प्यार है। मेरा एक दोस्त है जो कहता है कि मुझे कुत्ते से प्यार है, और मैं उसके साथ रेस्टोरेंट में गया तो वो चिकन ऑर्डर करता है। ये कौन सा प्यार है जो आपको कुत्तों में नज़र आता है, लेकिन आप वो नहीं देखते हो कि कितने क्रूरता से उन सारे चिकन्स को मारा गया आपकी थाली में परोसने के लिए। आपको उनका दर्द नहीं फील होता और आप कहते हो कि आपको कुत्तों से प्यार है, झूठ बोलते हो आप। माँ बाप कहते हैं कि उन्हें अपने बच्चों से प्यार है, लेकिन आपको क्या आंकड़े पता है, उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में, 2/3 फैमिली, मतलब 3 में से 2 फैमिली ऐसी है, शायद आप अपने आसपास भी आप देख सकते हो, कि जिस उस परिवार में सबसे छोटा जो बच्चा होगा ना, वो मेल चाइल्ड होगा, यानी वो लड़का होगा, और उसके बड़े सब जो होंगे वो लड़कियां होंगी। मोस्टली ऐसा ही होता है बहुत सारी फैमिलीज में। इसका मतलब समझते हो, बच्चे तब तक पैदा किए गए जब तक लड़का नहीं पैदा हो जाए। ये कौन सा प्यार है भाई? आपको पता है आपके इसी प्यार ने कितनी सारी लड़कियों को पेट में ही, गर्भ में ही मार दिया, और आप कहते हो कि आपको बच्चों से प्यार है। आपके इसी बच्चा पैदा करने की प्रक्रिया ने, प्रोसेस ने, ना जाने कितने स्पेसिस इस पूरे अर्थ से लापता कर दिए। हमेशा के लिए लुप्त हो चुके हैं, कभी वापस नहीं लौटेंगे। आपको कभी उनका दर्द फील हुआ कि आप जो ये बच्चे पैदा कर रहे हो लगातार इसकी वजह से? क्योंकि देखो, जितने बच्चे पैदा होंगे उतनी ज़्यादा डिमांड बढ़ेगी खाने की, रहने की, हर चीज़ों की। आपके इसी डिमांड ने आज एक सबसे बड़ा मुद्दा पूरे यूनिवर्स में ला के खड़ा, मतलब पूरे वर्ल्ड में ला के खड़ा कर दिया है। यूनिवर्स मैंने बहुत बड़ा वर्ड बोल दिया, जिसका नाम है क्लाइमेट चेंज। आपको पता है कि आपके इस एक्टिविटी ने जो टेम्परेचर राइज किया है, इसकी वजह से कितने सारे स्पेसिस और प्लांट हमेशा के लिए लुप्त हो चुके हैं, क्योंकि उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज ही चाहिए सर्वाइव होने के लिए। 1 डिग्री भी बढ़ जाए तो सर्वाइव नहीं हो पाते हैं। इसके ऊपर अलग से हम डिस्कस करेंगे। कभी आपको उनका दर्द फील हुआ? नहीं। अगर आपको सही में प्यार होगा ना, तो आप जब रास्ते पे सिगरेट फूकोगे तो आपको उन लोगों का दर्द फील होगा जो इन्हें अस्थमा हुआ है और रोड से गुजर रहे हैं। शायद कोई प्रेग्नेंट लेडी जाती होगी, कोई बूढ़ा इंसान जाता होगा, उनका आपको दर्द फील होगा कि आपके सिगरेट पीने की वजह से उनको हेल्थ का इशू हो सकता है। लेकिन कभी आपको उनका दर्द नहीं फील होता। आप फ्रीली एकदम खड़े होकर आपका जन्मसिद्ध अधिकार समझते हो, रोड पे सिगरेट फूंकते हो और कहते हो कि मुझे इस फलाना फलाना लड़की से प्यार है, हवस है, वो आपकी लस्ट है। शायद आप उसको कभी समझ ही नहीं पाए। हम किसी और वीडियो में इसे डिस्कस करेंगे, ये जो लड़का लड़की का चक्कर है। आजकल बहुत सारे यूथ इसमें बर्बाद हो जा रहे हैं, इसके ऊपर भी हम बहुत अलग से डिस्कस करेंगे। लेकिन जो मैं आपको ये बता रहा था कि प्यार दोस्तों जो होती है, ये एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है, यानी ये एक ऐसा प्रोसेस है जो एक स्पिरिचुअल इनलाइटनमेंट के बाद ही आ सकता है। मतलब जब तक आप प्यार को ना सीखना पड़ता है, जब तक आप स्पिरिचुअली ग्रो नहीं होंगे ना, तब तक आपको चीज़ों से प्यार नहीं हो सकता है। अगर आपको प्यार होगा तो आप अपनी आसपास की चीज़ों को देखोगे कि मेरी किन एक्टिविटी से किन लोगों को दर्द हो रहा है। कोई पेड़ कट रहा है तो आपको उसका दर्द फील होगा कि इस पेड़ कटने की वजह से कितने सारे पंछी थे, कितने सारे एनिमल्स थे जो उस पेड़ पे सर्वाइव कर रहे थे, वो शायद उनका घर लुप्त हो गया। आपको उन सूखती हुई नदियों का दर्द फील होगा जो आपकी एक्टिविटीज की वजह से सूख चुकी है हमेशा के लिए। उसके अंदर कितने सारे एनिमल थे जो हमेशा के लिए जा चुके हैं। इंडियन वेल उसमें से एक है जो शायद अभी तक हमें कभी मिली ही नहीं, लुप्त हो चुकी है। सोचो कभी इस मुद्दे पे, और अपने जो ओपिनियन है वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू सो मच।